मैं भी 22 ईयर की हूँ और मैं वार्ड नंबर 2 से जीती हूँ। बताना शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई अभी? हाँ, मैंने अभी BCom कंप्लीट किया है इस ईयर और मैं अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ फॉर गवर्नमेंट जॉब के लिए। अभी आप सभासद पद के विजयी कैसे हुए? वार्ड नंबर 2 से। अभी आप स्टूडेंट है, तैयारी भी कर रहे हैं, राजनीति में आने का उद्देश्य क्या रहा? मेरा उद्देश्य ये है कि लड़कियों को बहुत पीछा लोग समझते हैं, मतलब वो लोग कुछ कर नहीं सकती, इसलिए मैं उन लोग को देखकर मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ भी आगे आए, इसलिए मैं राजनीति में आना चाहती हूँ। और अब मतलब बहुत सी लड़कियाँ इस बहुत सी रीज़न से नहीं आगे आ पाती हैं और घर वाले बहुत लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, और इसीलिए मैं मतलब राजनीति में आना चाहती हूँ। माँ बाप को सपोर्ट करना चाहिए, बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे आपके वार्ड की सर्वप्रथम कौन सी ऐसी समस्या जिसका निदान आप करना चाहेंगे? स्वच्छता, स्वच्छता मैं पहले स्वच्छता करूंगी। बहुत गंदगी रहती है हमारे वार्ड नंबर 2 में, इसलिए मैं चाहती हूँ कि पहले वो सबसे सफाई पहले हो हमारे वार्ड में। पिछले सभासद ने क्या सफाई पे कोई काम नहीं किया? हाँ, तभी तो हुआ है, बट फिर भी मैं और उससे ज़्यादा और साफ करना चाहती हूँ कि कोई प्रॉब्लम ना हो जिससे बच्चों को इफेक्ट पड़ता है गंदगी से। लड़कियों को कोई संदेश देना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, लड़कियाँ बहुत सी राजनीति में नहीं आती हैं इसलिए क्योंकि घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वो मुझे देखे और उनका जैसे मन करे कि वो पॉलिटिक्स में आए, आना चाहिए लड़कियों को जैसे पॉलिटिक्स में आना चाहिए। शनि काम बनाएंगे या बिगाड़ेंगे? गुरु किसका भाग्य संवारेंगे? कैसा रहेगा राहु का गोचर? मंगल से किसे लगेगी ठोकर? मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।